मेरा नाम मोहम्मद मौजम हुसैन है। मैं 2007 में पास आउट हुआ था रिफाइन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। मैंने यहाँ से BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड 18 ईयर्स हो चुके हैं और मैं इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ। इस वक्त मैं हवावे टेक्नोलॉजीज़ में काम कर रहा हूँ और मेरा इस वक्त डेजिग्नेशन ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्टर है वहाँ पे और मैनेज सर्विसेज मेरा डिपार्टमेंट है। 2003 साल था जब मैंने इधर एडमिशन लिया और इस 4 साल जो हमने वहाँ पे गुजारे लिटरली अमेजिंग टाइम था वो हमारे लिए, डेफिनेटली रगड़ा था हमारे लिए। लेकिन उस रगड़े का हमें ये फ़ायदा हुआ कि जब मैं इंडस्ट्री में गया तो हमारी एक वैल्यूज़ हैं, रिफा यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक अलग पहचान है। वो हम जब रिफा के नाम के साथ हमने बेसिकली रिफा का नाम इंट्रोड्यूस किया मार्केट में और उस वक्त हमारा जो कोर था कि टेक्निकली हम बड़े स्ट्रॉन्ग थे, जो हमें हमारे टीचर्स की तरफ से नॉलेज मिला उसकी वजह से हमारा जो टेक्निकल स्किल्स थे वो बड़े ज़बरदस्त थे। सेकेंडली वी वर द ऑनेस्ट पीपल इन द मार्केट। आज भी हम जो स्ट्रगल हम लोग जो हमारा चल रहा है, मेरा एक्सपीरियंस चल रहा है, उसमें मुझे ये कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि हमारी अगर रिफा के स्टूडेंट्स को कंपेयर करें आप बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ, तो आपको नज़र आएगा कि रिफा के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो ये बेस्ट चीज़ है हमारे जो रिफा के अंदर। जो मैंने तकरीबन 18 साल का एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है, इस 18 साल के एक्सपीरियंस में मैंने हर तरह के हालात देखे, टफ हालात भी, अच्छे हालात भी, बुरे हालात भी, लेकिन जो मुझे यहाँ से मिला उसकी बदौलत मैं आज तक अपने सर्वाइव कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्लाई कर रहा हूँ। 2003 में जब हमने ज्वाइन किया था रिफा को एज ए स्टूडेंट, तो मुझे एक जो सबसे अच्छी बात याद है वो हमारा सिहाला का कैंपस था। सुबह 8:30 बजे उठ के जाना एक स्ट्रगल थी जो हम जाते थे, फिर उसके बाद वी वर लाइक अ फैमिली। मुझे आज भी याद है कि हमने एक बहुत अच्छा रिक्रिएशनल ट्रिप अरेंज किया था नारायण का, हमारे टीचर्स हमारे साथ थे, इट वाज अ ग्रेट फन। और ना सिर्फ वो एक फ़न के लिए था, उसमें एक कम्युनिटी में सर्वाइव कैसे करना है। मुझे याद है कि हम बड़ी शदीद ठंड में हमने रात गुजारी थी सैफ अल मुल्क पे, तो हमने एक कम्युनिटी में एक दूसरे को हेल्प करके कैसे गुजारा करना है ये हमने सीखा वहाँ पे। वो ट्रिप मुझे आज भी याद है। मैं आज जिस पोजीशन पे हूँ, जो मैं हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जो रिफा ने मुझे समझा, पढ़ाया लिखाया, मुझे ट्रेन किया, उसकी वजह से हूँ। जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं रिफा के, उनको मैं ये कहूँगा कि डेफिनेटली एक टफ टाइम आप उसको टफ टाइम से गुजर रहे हैं, इसको एंजॉय करें और इसको आपने एज ए चैलेंज लेना है, क्योंकि जो टफ़ टाइम आप अब देख रहे हैं आने वाले वक्त में आपने इससे ज़्यादा टफ टाइम देखना है। तो ये आपके आने वाले वक्त के अंदर जो चैलेंजेस आपने फेस करने हैं उसकी एक ट्रेनिंग है और ये अभी शुरुआत है। मैं आपको डराना नहीं चाह रहा, लेकिन रियलिटी इज़ डिफरेंट और डेफिनेटली इसमें अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करके आप पास आउट होंगे अच्छे नंबरों से, होपफुली आने वाले वक्तों में आपको हेल्प करेगा।